Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, जो भी friends हमारे रोज का class attend कर रहे हैं उनसे एक request है कि please comment box में कुछ न कुछ comment ज़रूर दिया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा teach कर रहा हूँ और मेरी teaching से किसी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Means जो भी मेरे क्लास रोज अटेंड कर रहे हैं उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है. फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूं किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से पूरी विस्तार से आपको समझा के पढ़ाऊं. कोई भी मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ. फिर भी अगर कोई कमी रह जाती होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करना कि ये कमी है, आप इस तरह से इसमें और ऐड करोगे, ऐसा ऐड करोगे, ये प्लस करोगे तो आपको अच्छा रहेगा. फ्रेंड, हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, टुडे इट्स अ एक्स्ट्रा क्लास. फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्टरी देयर मीन्स प्रीपोजिशन के साथ जो इंट्रोडक्टरी देयर आता है सेंटेंस, उसमें काफ़ी लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन्स है. और कुछ लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज करके कहा है कि सर इसको आप एक बार फिर से बताओ. और वो मैं बताने ही वाला था. एक्स्ट्रा क्लासेज मैं ये रिवीजन ही करता हूँ, रिवीजन के लिए ही होता है हमारा एक्स्ट्रा क्लास. ठीक है फ्रेंड, तो हम चलते हैं. आज सीखेंगे, फिर से सीखेंगे, रिवाइज करेंगे मीन्स रिविज़न करेंगे कि इंट्रोडक्टरी देयर और जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं प्रीपोजिशन के बिना इंट्रोडक्टरी देयर वाले, उसमें क्या फ़र्क है और उन दोनों को कैसे बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड, चलिए. सबसे पहले मैं दो सेंटेंसेस लिखूंगा, एक वो जो बिना इंट्रोडक्टरी देयर का होगा और एक वो सेंटेंस जो इंट्रोडक्टरी देयर वाला होगा. ठीक है फ्रेंड, जैसे 11 खिलाड़ी मैदान में है. 11 खिलाड़ी मैदान में है. अब मैं दूसरा लिखता हूं, मैदान में 11 मैदान में 11 खिलाड़ी हैं. तो फ्रेंड्स, आपको पता चल रहा है कि इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है. एक ही जैसा लगता है ना सुनने में, इसका अर्थ तो एक ही जैसा सुनाई देता है. जैसे 11 खिलाड़ी मैदान में है या मैदान में 11 खिलाड़ी हैं, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात बराबर होती है. लेकिन इसके अर्थ में, इसके भाव में फ़र्क होता है, इसलिए हम इसको इंग्लिश में अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं, हिंदी में भी. इनमें फ़र्क क्या है, जैसे कि मुझसे कोई पूछता है कि कमरे में कौन है, कमरे में कौन है, तो कमरे में कौन है इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हु इज़ देयर इन द रूम. इसका हम जवाब कैसे देंगे कि कमरे में राजू है. मीन्स हमने कमरे में प्रायोरिटी इसमें किसकी थी, कमरे की, स्थान की प्रायोरिटी है. मीन्स जिस सेंटेंस में स्थान या जगह की चर्चा पहले होती है वो इंट्रोडक्टरी देयर वाला होता है. तो इसमें हमने स्थान की पहले प्रायोरिटी दी है तो उसको हम पहले बोलते हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी देयर से बोलते हैं. जैसे कमरे में राजू है तो देयर इज़ राजू इन द रूम. अगर मैं पूछूंगा कि राजू कहाँ है, वेयर इज़ राजू, तो आप बताएंगे कि राजू कमरे में है, तो राजू इज़ इन द रूम. दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क हुआ ना फ्रेंड, समझा ना आपने. इसलिए हम इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए. तो ये दोनों सेंटेंसेस का कहने का मतलब एक ही है कि खिलाड़ी 11 खिलाड़ी मैदान में ही है. लेकिन 11 खिलाड़ी मैदान में है, ये इसमें स्थान का चर्चा, यानी कि स्थान जो है, जगह है, उसका लास्ट में चर्चा है, इधर है, और प्रीपोजिशन यहाँ पे आ रहा है. यही प्रीपोजिशन इधर से हट के, इधर से हट के इधर हो जाए तो समझ लेना वो इंट्रोडक्टरी देयर है. और जगह का चर्चा, ये मैदान. ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे लिखेंगे 11 प्लेयर्स
आर इन द ग्राउंड। मैदान में 11 खिलाड़ी हैं, इंट्रोडक्टरी देर वाला हो गया, तो देर लिखेंगे पहले, देर आर। आर क्यों? क्योंकि 11 खिलाड़ी हैं, एक से ज़्यादा हैं। यहाँ पे प्री पोजिशन क्या है आप ये बताओ, इसमें प्री पोजिशन क्या है? प्री पोजिशन मे है, तो मे के पास कॉमा मारा, फिर प्री पोजिशन के बाद वाला सबसे पहले हम लिखेंगे, देर आर 11 प्लेयर्स, फिर उसके बाद प्री पोजिशन लिखेंगे। याद रखना आप कि प्री पोजिशन के बाद वाला पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद प्री पोजिशन लिखेंगे हम, इन कहाँ पर? मैदान में, इन द ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड, तुम्हारी साइकिल मेरे घर के पीछे है, तुम्हारी साइकिल मेरे घर के पीछे है। दूसरा, मेरे घर के पीछे तुम्हारी साइकिल है। तुम्हारी साइकिल मेरे घर के पीछे है और मेरे घर के पीछे तुम्हारी साइकिल है, दोनों के अर्थ में फर्क है लेकिन सुनने में एक ही जैसा लगता है, तो हम इसको तुम्हारी साइकिल। इसमें क्या हुआ कि इसमें नाउन मीन्स जो वस्तु है, चीज है, उसका चर्चा पहले हो रहा है और जगह का चर्चा घर के पीछे, और प्रीपोजिशन कहाँ आया? इधर आया। तो आप इतना समझ लेना कि प्रीपोजिशन इधर आए, अगर इस तरफ आए तो वो देर वाला नहीं है, अगर प्रीपोजिशन यहाँ से हट के इस तरफ आ जाए इधर कहीं तो वो इंट्रोडक्टरी देर है। या दूसरी तरह से मैं समझा रहा हूँ कि जगह का चर्चा, साइकिल कहाँ है? मेरे घर के पीछे। जगह क्या हो गया? मेरे घर के पीछे, मीन्स मेरे घर का पीछे जगह है, उसका चर्चा इसमें लास्ट में हो रहा है, इसलिए हम इसमें देर नहीं लगाएंगे। ये सिंपल सेंटेंस डायरेक्ट यही से वस्तु से शुरू करेंगे, योर साइकिल इज बिहाइंड माई हाउस, और मेरे घर के पीछे तुम्हारी साइकिल है। तो मेरे घर के पीछे, तो ये जो जगह का चर्चा हो रहा है ये पहले हो रहा है और प्रीपोजिशन यहाँ आ गया, मीन्स पहले इधर था अभी प्रीपोजिशन इधर आ गया है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर डायरेक्ट हम देयर से शुरू करेंगे, देयर इज। अब प्रीपोजिशन क्या है? मैंने क्या कहा था कि प्रीपोजिशन के बाद वाला हम सबसे पहले लिखेंगे, तो देयर इज योर साइकिल। अब प्रीपोजिशन अब लिखेंगे, जब हम प्रीपोजिशन के बाद वाला पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम प्रीपोजिशन लिखेंगे, बिहाइंड। अब क्या बच रहा है? मेरा घर, माय हाउस। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको सिर्फ यही समझना है कि जिस सेंटेंस में जगह की चर्चा, यानी कि स्थान की चर्चा, स्पेस, जो चीज जहां पर भी है उस जगह की चर्चा सेंटेंस के शुरुआत में हो, तो उसको हम इंट्रोडक्टरी देयर से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए हम कुछ और भी सेंटेंसेस लेकर बनाते हैं। मेरा स्कूल नदी के पार है, नदी के पार मेरा स्कूल है। फ्रेंड्स, मैं दो दो सेंटेंसेस क्यों लिख रहा हूँ? आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से फर्क समझ में आ जाए कि इस तरह के सेंटेंस और ऐसे सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी देयर सेंटेंस में और विदाउट इंट्रोडक्टरी देयर सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। आपको फर्क समझ में आ जाएगा तो आप पहचान जाएंगे सेंटेंस को कि इंट्रोडक्टरी देयर वाला सेंटेंस कौन सा है और बिना इंट्रोडक्टरी देयर वाला सेंटेंस कौन सा है। तो इसको हम बनाते हैं, मेरा स्कूल नदी के पार है। इसमें डायरेक्ट मेरा स्कूल, इसमें चीज हो गया, थिंग्स हो गया, और इसमें जगह क्या हो गया? नदी के पार, यानी प्रीपोजिशन इधर आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट शुरू करेंगे, माय स्कूल इज, माय स्कूल इज
across the river. अब यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन इधर था इसमें और इसमें इधर आ गया है, तो प्रीपोजिशन के पहले पास कॉमा मारेंगे, तो देयर इज माय स्कूल अक्रॉस द रिवर. ठीक है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है. और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्टरी देयर मीन्स देयर वाला सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये देयर वाला सेंटेंसेस है. ठीक है फ्रेंड, जैसे मेरे स्कूल में 15 टीचर हैं, तो मेरे स्कूल में 15 टीचर हैं, टीचर कहाँ है, मेरे स्कूल में, तो जगह का चर्चा पहले हो रहा है, मेरा स्कूल, तो देयर आर 15 टीचर्स इन माई स्कूल. छत पर दो बंदर हैं, तो बंदर कहाँ है, छत पर है, यानी जगह छत हो गया, तो जगह की चर्चा पहले हो रहा है छत पर, तो छत पर दो बंदर हैं. देयर आर टू मंकीज ऑन द ट्री. ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया ना, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्टरी देयर और विदाउट इंट्रोडक्टरी देयर के सेंटेंसेज में क्या फ़र्क है और किस तरह से बनाए जाते हैं. तो अभी तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट और धन्यवाद.